लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर भले ही अभी तक जो टिकट है उसका ऐलान ना हुआ हो, कौन सी पार्टी किसके सिर से चुनाव लड़ेगी और वो आंकड़ा कितने का होगा इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव चुनावी मोड में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। अभी पिछले कुछ देर से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी RJD की तरफ से बैक टू बैक ट्वीट्स किए जा रहे हैं और इसमें मोदी नहीं मुद्दे पर आइए इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। दरअसल ये बातें क्या कुछ हैं आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं RJD का ये ऑफिशियल पेज है, उस पर लिखा है कि मुद्दे की बात करिए, मोदी नहीं मुद्दे पे आइए, और ये हैशटैग है मोदी नहीं मुद्दे पे आइए। और देखिए इस तरह की तस्वीर है, उसमें लिखा है कि सालाना 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, पकौड़े तल के गुजारा करने की नहीं, मोदी नहीं मुद्दे पे आइए, इस तरह की तस्वीर साझा हुई है। उसके बाद ये संजय यादव हैं और तेजस्वी यादव के PS रह चुके हैं और उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से लिखा है कि पिछले 5 वर्षों में अन्य उगाने वाले जो किसान हैं उनकी दुर्दशा चरम सीमा पर है, क्या इसी अच्छे दिन का वादा किया था, मोदी नहीं मुद्दे पे आइए देश बचाइए। और अब तेजस्वी के ट्वीट पे आते हैं और देखिए इसको उन्होंने किया है कि सिर्फ 2018 में 1,10,00,000 लोगों ने नौकरियां गंवाई, 5 साल के आंकड़े तो आसमान छुएंगे ही, ये CMIE की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है। और उसके बाद नीचे लिखते हैं कि मोदी नहीं मुद्दे पे आइए देश बचाइए जनहित में जारी। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं वो हमलावर हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। दरअसल चुनाव के पहले जो वायदे किए गए थे वो वायदे कितने पूरे हुए ये चर्चा का विषय है, लेकिन तेजस्वी यादव उसी को आधार मानते हुए इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं मोदी पे नहीं बल्कि मुद्दे पर आइए, और ये हैशटैग जो है वो ट्रेंड कराया जा रहा है RJD या फिर उनके सपोर्टर्स के द्वारा ट्विटर पे। देखिए चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं चौकीदार हूँ, इस तरह के जो हैशटैग हैं वो भी खूब ट्रेंड हुए। उसके बाद एक जो नया हैशटैग आया वो था कि हमारा चौकीदार चोर है, और उसके बाद इस तरीके से मोदी पे नहीं मुद्दे पर आइए ये जो नया है उसको ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है। ट्विटर पर हमला है क्योंकि चुनाव है, और लिहाजा क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है कि बिहार के अंदर में उनकी सीधी लड़ाई जो है वो मोदी और नीतीश की जोड़ी से है, लिहाजा तमाम तरह के मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, या फिर वो मुद्दा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव जो है अब नए हैशटैग के साथ सामने आए हैं और ट्विटर पर इसके सहारे वो विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों से लगातार जारी है, अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।